टीवी शो में कई तरह के रोल देखने को मिलते हैं। शो में भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर के किरदार ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे में साथ काम करते कई सितारों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन आज हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपने रियल लाइफ बहनों से ही प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में। मयंक और रिया। टीवी जगत के पॉपुलर शो तू सूरज में सांझ पिया शो में मयंक और रिया ने भाई बहन का किरदार निभाया था। लेकिन देखते ही देखते इन दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन बनते चले गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। रोहन मेहरा और कांची सिंह। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में रोहन मेहरा और कांची सिंह ने भाई बहन का किरदार निभाया था। लेकिन असल जिंदगी में यह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अमन वर्मा और वंदना ललवानी। अपने टाइम के पॉपुलर शो शपथ में अमन वर्मा और वंदना ललवानी ने भाई बहन का किरदार निभाया था। अमन वर्मा को अपनी ऑन स्क्रीन बहन वंदना से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली। आज यह दोनों अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। सिविन नारंग और दिगांगना सूर्यवंशी। टीवी शो एक वीर की अरदास वीरा टीवी सीरियल में सिविन नारंग और दिगांगना ने भाई बहन का किरदार निभाया था। लेकिन इस सीरियल के शूटिंग के दौरान ही इन्हें एक दूसरे से लगाव होने लगा और इनका प्यार बढ़ता चला गया। नीरज मालवीय और चारू असुपा। मेरे अंगना टीवी सीरियल में नीरज और चारू ने भाई बहन का किरदार निभाया था। लेकिन इस किरदार को निभाते समय उन दोनों के बीच दूसरा ही प्यार उमड़ने लगा। खबरों की माने तो इन दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन बाद में इनका रिश्ता टूट गया और कुछ समय बाद ही चारू ने राजीव सेन से शादी कर ली। किरण करमार और रिंकू धवन। कहानी घर घर की में किरण और रिंकू दोनों भाई बहन के रोल में नजर आए थे। साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2001 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।